समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। शफीकुर रहमान बर्क संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। 94 साल की उम्र में बर्क का निधन हुआ है और लगातार मुखर रहे शफीकुर रहमान बर्क ने हाल ही में संकेत भी दिए थे कि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क का आज निधन हो गया। शफीकुर रहमान बर्क लंबे समय तक संसद में रहे, 94 साल उनकी उम्र थी। संभल से वो समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर 2019 में निर्वाचित हुए और मुलायम सिंह यादव के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के बड़े और उम्रदराज नेता शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। और शफीकुर रहमान बर्क संभल से सांसद थे और मुस्लिम विषयों पर कई बार वो अपनी बात रखते रहे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विशाल पांडे न्यूज रूम से और साथ ही नीतीश पांडे उत्तर प्रदेश विधानसभा से। विशाल, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि आज झटके पे झटका लग रहा है। शफीकुर रहमान बर्क का जाना, जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, आज उनका निधन एक और बड़ा झटका। देखिए, बिल्कुल 94 साल की उम्र शफीकुर रहमान बर्क की थी और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुरादाबाद के एक अस्पताल में शफीकुर रहमान बर्क का इलाज चल रहा था, लेकिन आज शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क मौजूदा सांसद थे और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी शफीकुर रहमान बर्क को ही प्रत्याशी बनाया था, लेकिन लंबी बीमारी के बाद आज शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। संभल से सांसद रहे हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, कुछ समय के लिए बीएसपी में भी गए थे शफीकुर रहमान बर्क। एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है और जब पुरानी संसद में आखिरी सत्र था उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शफीकुर रहमान बर्क जैसे सांसदों का जिक्र किया था कि कैसे एक लंबी उम्र के बाद भी ये लोग सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि शफीकुर रहमान बर्क जो कि उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद रहे हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा और जाहिर तौर पर एक लंबा राजनीतिक करियर रहा। आजादी से पहले जो है उनका जन्म हुआ था 1930 में और आज उनका निधन हुआ। नीतीश पांडे का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शफीकुर रहमान बर्क, उनका जाना संभल के राजनीतिक समीकरणों समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा नुकसान? नीतीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन विशाल का मैं एक बार फिर रुख कर लेता हूं। विशाल, जिस तरीके से आप भी लगातार बता रहे हैं कितने उम्रदराज कितने कद्दावर नेता थे, लेकिन अगर बात की जाए कि ऐसे समय में जबकि चुनाव बिल्कुल नजदीक में है, इतने बड़े कद्दावर नेता का जाना जो अपना राजनीतिक प्रभाव भी रखता हो, क्या संभल के समीकरणों को प्रभावित करेगा समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, संभल में शफीकुर रहमान बर्क का अपना एक अलग प्रभाव रहा है और यही वजह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से शफीकुर रहमान बर्क ने जीता था। सपा बसपा का उस समय गठबंधन था। इससे पहले भी कई बार शफीकुर रहमान बर्क सांसद रह चुके और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शफीकुर रहमान बर्क को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि संभल में जो मुस्लिम वोट है वो बड़ी संख्या में है और उस पर शफीकुर रहमान बर्क की अच्छी पकड़ मानी जाती रही है। और अब देखना यह होगा कि शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद सपा किसे संभल से अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन संभल की सियासत पर शफीकुर रहमान बर्क का एक बिल्कुल जाहिर तौर पर संभल की सियासत। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी खासा जो असर रखने वाले शफीकुर रहमान बर्क का जाना समाजवादी पार्टी के लिए झटका होगा। नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी को जो झटके लग रहे हैं आज, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क का जाना जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता और एक कद्दावर नेता का जाना जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। निश्चित तौर पे जिस तरह के शफीकुर रहमान की ये पूरी की पूरी कहे कि देहांत की घटना सामने आई है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो कि शफीकुर रहमान जैसा नेता जो कि मुस्लिम विषयों पर मुखर होकर बोलते थे, उनका जाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। समाजवादी पार्टी के पूरे खेमे में गम का माहौल है। लेकिन एक अपडेट आपको और बता देता हूँ, चूँकि मैं इस समय विधानसभा के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ के बाहर मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो मनोज पांडे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके साथ जब वो यहाँ पर पहुँचे तो मंत्री दयाशंकर सिंह भी उनके साथ यहाँ पर पहुँचे। तो अब जो कयासों का दौर था वो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि जिस तरह से मनोज पांडे ने अभी इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद मंत्री दयाशंकर सिंह और उनके साथ मनोज पांडे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँचने के साथ अब वो अंदर जा चुके हैं तो थोड़ी देर में अपना वोट भी डालेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जो झुकाव की बातें थी वो भी साफ तौर पर देखने में आई है। अब जो सवाल आपने किया कि ये कितनी बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए शफीकुर रहमान बर्क का जाना, तो निश्चित तौर
तौर पे पीटीए का जो नारा है इसके साथ इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम भी फिट होता है, समाजवादी पार्टी के खेमे को मजबूत करने की स्थिति में। और जहां से शफीकुर रहमान बर्क सांसद थे वहां से जो उनकी जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए इससे बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीतीश आपका भी और साथ ही विशाल पांडे आपका तमाम अपडेट के लिए। Z News.